सो भाई रूम को अलविदा कह दो जल्दी, बाय 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 बाय। सो अभी मैं फटाफट जाना है, पापा मेरे पापा एयरपोर्ट पे आ चुके होंगे, तो यही सरप्राइज था आप लोगों के लिए। मुझे मैंने बोला था सरप्राइज छुपाऊंगा, लेकिन क्या अगर थंबनेल होता ना, थंबनेल में सब पता लग जाता है कौन आया, किसके टाइप का ब्लॉग है। सो या तो पापा भी एयरपोर्ट पे वेट कर रहे होंगे, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, और उसके बाद फिर देखते कहां कहां जाते हैं, ये पापा ही बताएंगे। क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। चलो चलो। और मेरे पापा कॉल की, पापा बोलने के मैं एयरपोर्ट पे आ गए, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तो भाई लेट्स गो। 9:40 पे एयरपोर्ट आ गया भाई। कॉल ही उठा रहे पापा। पापा किधर है, पार्किंग पे आ गए। पापा ने बोला मैं खड़ा हूँ 9 नंबर पार्किंग पे। अरे ये खड़े हुए, ये खड़े हुए, वेलकम। आराम मेरे बेटी। अरे मेरा मुन्ना भी आया है प्यारा सा। मेरे बेटा नहीं रह पा रहा था क्या? अबे यार आ गया भाई। मॉम कैसे, ठीक है? सर्दी तो नहीं हो रही ना? सर्दी यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सर्दी है। उन्होंने इतना डरा तो यार, इतनी सर्दी थोड़ी है, रात को ठंड हो जाती है बहुत। सर्दी हो रही है, तुम जो है ना क्या बोलते हैं, कोट पहन रहा है, सर्दी मुझे नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रही। अब आगे बैठेंगे, पापा को रास्ते दिखाने। हमने तो बहुत रास्ते देख लिए और एंजॉय भी बहुत कर लिया, तो पापा देखेंगे रास्ते। अब देखिए चार बंदे कैसे पीछे आते हैं, मैं, एटीट्यूड बॉय और फरिया और मम्मा। मम बैठिया सही से। ओके भाई सारे आ गए यार, गुड हो गया। पापा आप आगे बैठे ना, तो आप बोले खुल जा सिम सिम। क्या बोलना? खुल जा सिम सिम। बोल जा सिम सिम। बोल जा, मैं खुल गया हूं भाई। तो सो अभी हमें जाना है नथे दे। और आपको कहाँ जाना है मॉम? मुझे भी जाना है कभी, क्या पता ऐसा भी हो सकता है आगे आगे ब्लॉगिंग के साथ साथ हो सकता है इंशाल्लाह। भाई गाड़ी में जगह ही नहीं हो पा रही, तो इस तरह बैठना पड़ रहा है। क्या करें भाई, अब मजबूरी है ना। क्या करें भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब इसका जगह ही नहीं है। क्या कर भाई, ये तो बहुत छोटी सी है वो, देखो। मैंने तुम्हें हल बता दिया ना कि मेरे टांग के ऊपर टांग रख लो तो जगह बन जाएगी। बहुत अच्छा हल बताया है, तो अब ऐसे ही बैठ के जाना पड़ेगा क्योंकि चार बंदे पीछे बैठे हैं। हमारी फरिया भी तो बड़ी हो रही है ना, इसको भी जगह देनी पड़ती है। बैठी कैसे देखो, हम इतने लंबे लंबे सफर इसने इस तरह किए, चार चार पाँच पाँच घंटे के। थोड़ी टांगों को रिलैक्स करने के लिए गाड़ी रोकी है, बैठे बैठे थक गए, चार बंदे बैठे नहीं जा रहे। किन्नू बड़े मस्त मस्त लगे हुए यहाँ पर, तो किन्नू ले लेते हैं जरा, क्योंकि मॉम को पसंद है बहुत किन्नू, तो किन्नू लाजमी लेंगे भाई। किन्नू भाई ले लिया हमने। मॉम आ जाए नाश्ते के लिए, पापा बुला रहे हैं। आ जाए आ जाए आ जाए। अभी आगे पता लगेगा बर्फ के अंदर, वो तो अंदर बैठेंगे भाई। इधर आ जाओ। सो भाई खाना आ गया, खाने में हमने मंगाया है अंडा छोले और हलीम, तो फटाफट से खाते हैं भाई खाना, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ, डायरेक्ट पापा लोगों लेने चले गए थे, तो खाते हैं। मॉम खाएं 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 खाएं। वो इतनी बड़ी छुरी से कट रहा है ये स्टिकर अंदर का। पापा को चुभ रही है स्वेटर का। आराम से आराम से आराम से। सो भाई पापा, मैंने, मम्मा ने तो नाश्ता कर लिया, और माज भाई और भैया नाश्ता कर रहे हैं। ये रास्ते में खाते हुए जाएंगे हम लोग। आ जाओ फरिया। ये क्या है, तुम विलन लग रहे हो मुझे, विलन बेकार फिल्म के। एक होती अच्छी फिल्म, खराब फिल्म का मिलन लग रहा हूँ। खराब नहीं, घटिया तरीन फिल्म का तुम मिलन लग रहे हो। अच्छा। सब डायरेक्ट जाएंगे भाई पहाड़ पे, और पहाड़ से हमें जो लोकेशन है वहाँ जाना है। 2-3 घंटे लगेंगे मुझे लग रहा है, और टांगे जाने वाली है। पेट्रोल डलवाने आए, साथ साथ नारियल भी खाएंगे। फटाफट नारियल लो। नारियल दे दिया भाई, सबको मिल गया भाई नारियल, अपने अपने सबको मिल गया। ओके अब ट्रैक्टर का टायर पंचर हो गया वहाँ पर, कितना बड़ा टायर है ना मॉम, कितना मुश्किल से बनेगा, पहले खुलेगा फिर बाहर निकलेगा। नथिया गली सिर्फ और सिर्फ 53 किलोमीटर रह गई, और मरी भी शायद उससे थोड़ा 25-28 रह गया है, लेकिन ये किलोमीटर तो कम लिखे हुए, लेकिन जाते हुए इतनी देर हो जाती है ना, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही होती हैं जा रही होती हैं। जैसे देखें ये गाड़ी आ रही है, ये इस वजह थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हैं हम लोग, वरना तो किलोमीटर तो करीब है, ज़्यादा दूर नहीं। हम बंदर के पास रुके हैं। हेलो हाय, हम अंदर ना आ जाइए। आज हम बंदर के पास रुक गए भाई, मास्क के जुए बहुत हो गए निकाल दो। अबे भाई एक और कहाँ गया, एक और भी था यहाँ पर, वो नीचे भाग गया। ये रहा, आ गया आ गया, ये लो आएगा आएगा, ये लो। तू डर गया मैं, अबे भाई इतना हाथ मारा मैं डर गया। चलो उठा लेगा, चलो उठा लिया। वो बंदर ने ऐसा लगा था मेकअप करा हुआ है। हाँ लाल लाल पूरा ना, नहीं नहीं मुझे लगता कोई लड़की मिली होगी, उसने मेकअप करके चली गई होगी, क्योंकि एक का लाल था और एक का व्हाइट था। मरी से पहले ही हमें बर्फ मिल गई फरिया, बहुत खुश है, मुझे मजा आ रहा है। आगे जाके हमें इससे भी ज्यादा बर्फ मिलेगी, सबसे पहले मास्क को पड़ेगी बर्फ। पता नहीं मॉम के साथ बैठा हूँ। ओके हाँ गाड़ी में मजा, मैं पापा को पीछे बिठाऊंगी और मॉम के साथ पीछे बिठाऊंगी। नहीं पापा आगे बैठे, नहीं नहीं फायदा ये तो हमारा, मैं भी बैठा हूँ, देखो मम्मा मुझे भी नहीं बिठाती घर में, हम लोग को मम्मा भगाती है, बोलो भागो भागो। अभी भी 34 किलोमीटर है भाई, और मरी हम लोग आ गए हैं, अभी भी 34 किलोमीटर है मॉम। मैं तो बोल रही हूँ मरी में रुक जाते बहुत दूर, अब बर्फ देखने आए हैं। ओ भाई पीछे से लेकर वो
आगे तक रश ही रश है। ये मसला तो होता है जब बर्फ गिरती है ना, तो ये मसला लाजमी होता है कि ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है और गाड़ी सही चढ़ नहीं पाती ऊपर। देखो आगे कब तक पहुंचते हैं हम। दिल्ली किन्नू खोलते जरा, जब तक किन्नू खाते हैं हम लोग, मतलब बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। छील दे मॉम, छील दे किन्नू खाते हैं भाई। सो मॉम ने किन्नू छील दिया है। चलते चलते डेढ़ बज गए। यहाँ पर सबको ये आ रहा है, समझ रहे हो साइड से क्या व्यू आ रहा है। वाह माशाल्लाह, चील कैसे उड़ते हुए जा रही है। भाई फरिया का वॉशरूम आता है तो पापा फरिया को लेके गए वॉशरूम। हम लोग यहाँ जब तक वेट कर रहे हैं। मैं भी जा रही हूं। तुम भी जाओगे? नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ। तुम खड़े रहो यहाँ पर, तुम बैग पकड़े खड़े रहो। अम्मा का गाड़ी देखो, चलो गाड़ी देख कर आओ आहिस्ता आहिस्ता। भाई अम्मा दोनों इधर बैठ जाओ, एक एक करके वॉशरूम जाएंगे। अब तक मम्मा और भैया वहाँ बैठे हुए, मैं जाता हूँ बर्फ में थोड़ा सा। ओए होए अबे इतनी इतनी फिट है, कितनी फिट है ये एक फिट तो होगी तकरीबन। और नीचे सारी बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। और अभी हमें ऊपर तक जाना नथिया गली तक, और अभी तक ढोंगा गली भी नहीं आई। ढोंगा गली के बाद फिर नथिया गली आएगी, फिर हमें वहाँ लेना है होटल। होटल में हम यहाँ पर शायद स्टे करें एक दिन का, तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे। हम लोग पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़े हैं और हमारा ड्राइवर है ना, वो पता नहीं कहाँ भाग गया। सब खड़े रहना पड़ेगा ठंड में। पापा बहुत ठंड लग रही है भाई, बहुत। पापा को हमने वहाँ पे इतना डराया था कि बहुत सर्दी। अभी पापा नीचे क्या बोले थे, कोई ठंडी लग रही पता लगा। पापा को सर्दी लग रही, पापा टोपा पहनेंगे, पापा टोपा निकालने पहले ही ताकि आगे ठंड ना लगे। और ओ भाई ये लड़कियों, ये फरिया वाला है, ये फरिया। मुझे इसका ये चीज बहुत अच्छी लगती है, लड़की लग रही। ओए हाँ बिल्कुल फिट। चलो हम बैठो दोबारा अगेन, अभी आगे और जाना है भाई। और रास्ते में मैंने लिए हम लोग, ताकि हम लोग खाते बजाय ठंड कंट्रोल करें। चलो भाई फाइनली पहुंच गए भाई नथिया गली के करीब करीब। ये आ गई है ढोंगा गली, इसको क्रॉस करेंगे 10 मिनट के बाद नथिया गली। अरे मॉम 3 घंटे हो गए, 3 घंटे और हमें 5 घंटे हो गए। आप लोग को 5 घंटे हो गए। पहले मॉम लोग जहाज में है, उसके बाद फिर मॉम लोगों ने अभी इतना सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। आ जाए आ जाए आ जाए। फाइनली 3 घंटे बाद रीच्ड नथिया गली, और ये सारी खाई खाई है नीचे। अभी मम को डराता हूँ, देखना पापा। नथिया गली में आते साथ सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। इतना लेट सलाम याद आता तुम्हें? आवाज यहाँ आके सलाम करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे रूम, फिर खाने पे आएंगे। ये है भाई वो जगह जहाँ पर पिछली बार हमने खाया था खाना। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं भाई रूम, देन उसके बाद खाना खाने आएंगे। मजा आया था पिछली बार ना आपको? बहुत। सो भाई हमें रूम पसंद आ गए। तो भाई हीटर भी देख लिए, हीटर भी ओके। सो अब हम रूम ले सकते हैं आराम से। यहाँ पर 2:34 हो रहे हैं, यहाँ पर 2:15 पे आ गए थे। होटल वगैरह सब करवा लिया है और अब जा रहे हैं थोड़ा वॉक करने आगे। भाई इसकी सेफ्टी भी खोल देना भाई। मजा आ गया, लेकिन मजे का था भाई। फरिया था पूछो कैसा था? फरिया मजे का था, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो अच्छा लगा। नहीं तो जो इससे आएगा उसको अच्छा लगेगा। मुझे करना नहीं है ये। अरे देखने में मजा आ रहा है। हां देखने में मजा आ रहा है। चलो चलो चल भाई, शुक्रिया।